तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का पीआरके म्यूजिक क्लासेज में। तो हारमोनियम पर कोई भी गाना या भजन हम बिना नोटेशन के खुद से निकालना कैसे सीख सकते हैं, ये हम आज के इस लेसन में सीखेंगे। माँ सरस्वती की वंदना से शुरू करेंगे और एक बॉलीवुड सॉन्ग भी लेंगे और इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम कोई भी गाना या भजन खुद से निकालना कैसे सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेसन। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आए और आपको कुछ सीखने को मिल सके। सबसे पहले अगर हम स्वरों की बात करें तो सी सारब पहली काली से मैं आपको आज का ये लेसन बताने जा रहा हूँ। जो स्वर हम प्रयोग में लेंगे वो कुछ इस प्रकार से है, सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, तीव्र मा, पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। ये स्वर हम प्रयोग में लेंगे और भारतीय संगीत पद्धति के अनुसार ये थाट कल्याण के स्वर है। तो थाट कल्याण के स्वरों के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम कोई भी गाना या भजन खुद से निकालना कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं माँ सरस्वती की वंदना से। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का तराना है। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का तराना है। तुम्हें आज सभा में माँ हमें दर्श दिखाना है। तुम्हें आज सभा में माँ हमें दर्श दिखाना है। संगीत समंदर से सुरताल हमें दे दो। संगीत समंदर से सुरताल हमें दे दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। तो आपने देखा दोस्तों, ये जो माँ सरस्वती की वंदना है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गा स्वर से इसकी शुरुआत होती है। हमारा मूल स्वर कौन सा है? सा हमारा मूल स्वर है। कोई भी गाना या भजन आप खुद से निकालने की कोशिश जब करते हो, सबसे पहले हमें अपना मूल स्वर स्थापित करना होता है, यानी हमारा सा फिक्स करना होता है। सबसे पहले मूल स्वर के साथ में हमिंग करें। और अधिकतर गाने और भजन ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत या तो सा स्वर से होती है, या गा स्वर से होती है, या पा स्वर से होती है। गा हमारा शुद्ध भी हो सकता है, गा हमारा कोमल भी हो सकता है, पा हमारा मध्य सप्तक का भी हो सकता है, पा हमारा मंद्र सप्तक का भी हो सकता है, सा हमारा मध्य सप्तक का भी हो सकता है, सा हमारा तार सप्तक का भी हो सकता है। इस बात पर आपको ध्यान देना है, इस वंदना के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करें तो गा स्वर से इसकी शुरुआत होती है और जो वंदना की लाइन अंतिम लाइन होती है वो सा स्वर पे खत्म होती है। जैसे हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। गा स्वर से शुरुआत हो रही है और गाने की लाइन का जो एंड पार्ट है वो हमारे मूल स्वर पर हो रहा है। अधिकांश भजन और गाने ऐसे ही होते हैं जिनकी शुरुआत गा स्वर से या पा स्वर से या सा स्वर से होती है,
लेकिन गाने की जो लाइन खत्म होती है वो हमारे मूल स्वर पर ही होती है। इस बात पर आपको ध्यान देना होता है, कोई भी गाना बिना नोटेशन के अगर आप निकालना चाहते हो तो इन तीन स्वरों पे आपको पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी होता है। सा पे पकड़ बनाना, गा पे पकड़ बनाना और पा पे पकड़ बनाना। इसके लिए कैसे रियाज होता है स्वर ज्ञान का, वो अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। इससे पहले एक बॉलीवुड सॉन्ग और लेते हैं और उसके माध्यम से इन स्वरों की क्या इम्पोर्टेंस है वो समझने का प्रयास करते हैं। सा, गा और पा ये क्यों इम्पोर्टेंट है, एक बॉलीवुड सॉन्ग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बने के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बने के, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। तो आपने देखा दोस्तों इस गाने की जो शुरुआत हो रही है आए सात स्वर से हो रही है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, और गाने की लाइन जो खत्म हो रही है वो भी हमारे मूल स्वर पर ही हो रही है, सा स्वर पे ही। अब इसका जो आगे का पार्ट आता है, मेरे दिल में यूं ही रहना है, पा स्वर से हो रहा है, मेरे दिल में यूं ही रहना है। तो गा स्वर पे ठहराव भी हो रहा है, तो सा, गा और पा ये सबसे इम्पोर्टेंट स्वर होते हैं। इन स्वरों पे अगर आप अपनी पकड़ बना लेते हो तो आप कोई भी गाना या भजन विदाउट नोटेशन के आसानी से निकालना सीख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन स्वरों पे पकड़ बनाना कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले आप जिसको भी मूल स्वर मानते हैं उस पे अपनी पकड़ बनाएं। अगर आप इस स्केल से गाना चाहते हैं और इस पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी पकड़ बनाएं। अगर आप मान लीजिए तीसरी काली से रियाज करते हैं तो सा, गा, पा, पहले सा स्वर पे पकड़ बनानी है, उसके बाद में गा पे और उसके बाद में पा पे। आज का लेसन हम पहली काली से कर रहे हैं तो सबसे पहले सा स्वर पे कैसे पकड़ बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में गा स्वर पर आपको कैसे पकड़ बनानी है, उसके बाद में पा स्वर पर आप कैसे पकड़ बना सकते हैं, उसके बाद में जो मंद्र सप्तक का पा है इस पर सीखेंगे, उसके बाद में सीखेंगे कि तार सप्तक का जो सा है इस पर हमारी पकड़ कैसे बन सकती है। रियाज आपको कैसे करना है, सबसे पहले सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, आरोह और अवरोह कीजिए। कैसे करना है, स्वर पहले दबाएं, अच्छी तरह से सुने, इसके साथ में हमिंग करना है, उसके बाद में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, ला।
सा से सा तक आप रियाज कीजिए, उसके बाद में मंद्र सप्तक का जो पा है वहां तक आपको जाना है। ठहराव हमारा हमारे मूल स्वर पे ही रहेगा। कैसे करना है? सा स्वर पे हमें हमारी पकड़ बनानी है। उसके बाद में गा स्वर को हम लेंगे। गा से हम शुरू करेंगे। गा मा पा धा नी सा रे तक हम जाएंगे, फिर वापस सा नी धा पा मा गा रे सा। ठहराव हमारा हमारे मूल स्वर पर ही होगा, क्योंकि गाने और जो भजन होते हैं अधिकतर उनकी जो लाइन खत्म होती है वो हमारे मूल स्वर पर ही होती है। तो गा स्वर से हमारा उठाव जरूर रहेगा, लेकिन खत्म हमें हमारे सा स्वर पे ही करनी है। किस तरह से रियाज करना है? गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा गा 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 गा। गा स्वर पर पूरी पकड़ आपको बनानी है। गा 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 आ गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा मा पा मा गा रे सा गा मा पा मा इस तरह आप गा स्वर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। गा से आप रियाज करें तो गा से आपको गा मा पा धा नी सा रे तक आप जाएं, फिर वापस सा नी धा पा मा गा रे सा, फिर गा से गा मा पा मा गा रे सा, इस तरह से कर सकते हैं। धा तक आप जाकर फिर वापस आ सकते हैं, नी तक जाएं फिर वापस आए, सा तक जाएं फिर वापस आए। कुल मिलाकर गा स्वर पर आपको पकड़ बनानी होती है। गा से आपको अपना उठाव करना होता है। उसके बाद में मंद्र सप्तक में भी पा तक आप जा सकते हैं। किस तरह से? गा 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 रे सा रे धा पा धा नी रे सा गा 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 आ गा स्वर पर आपको पकड़ बनानी है। उसके बाद में पा स्वर लेंगे। पा स्वर पर आपको कैसे पकड़ बनानी है? सबसे पहले पा लगाएं। पा 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 इस तरह से आप अगर नहीं लगा सकते हैं तो सा रे गा मा पा 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 या सा पा 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 इस तरह से आपको पा लगाना। उसके बाद में पा धा नी सा रे गा तक हम जाएंगे, फिर वापस रे सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से आपको रियाज करना है। पा 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 धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा।
पा पा मा गा रे सा पा मा गा रे सा पा 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 नी धा पा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा 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 मा गा रे सा सा पा सा पा सा पा। तो दोस्तों इस तरह से पास स्वर पर आप अपनी पकड़ बनाना सीखें, क्योंकि काफ़ी भजन और बॉलीवुड सॉन्ग ऐसे हैं जिनका अंतरा भी पास से शुरू होता है और इनका जो स्थाई होता है वो भी पास से शुरू होता है, ठहराव भी पास स्वर पे ज़्यादा होता है या गा स्वर पे होता है या सा स्वर पे होता है। तो कुल मिलाकर ये तीनों इंपॉर्टेंट स्वर है, तीनों स्वरों पर आपको पकड़ बनानी है। इसके बाद में आप तार सप्तक का सा लीजिए, इसके साथ में कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, सा 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 रे गा रे सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा गा नी सा नी धा पा मा गा रे सा सा पा सा। सा रे गा रे सा नी धनी सा नी धा पा धनी सा नी धा पा मा पा धनी सा नी धा पा मा गा मा पा धनी सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा धनी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा पा सा सा पा सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा पा धा नी सा। तो इस तरह से दोस्तों आपको तार सप्तक का जो सा है इस पर पकड़ बनानी है। उसके बाद में हमारा रह जाता है मंद्र सप्तक का पा, तो यहां से हम शुरू करेंगे। पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी पा धा नी सा पा धा नी रे सा पा धा नी सा गा रे सा पा धा नी सा रे गा मा गा रे सा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैंने तीन इंपॉर्टेंट स्वर बताए हैं जिनका आपको प्रैक्टिस करना है, आपको पकड़ बनाना सीखना है इन तीन स्वरों पर। और दोस्तों ये रियाज मैंने आपको कल्याण थाट में बताया है, अगर आप कमेंट करेंगे तो और भी जो थाट है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट थाट है जिन पर आपको रियाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। तो कैसा लगा आज का ये लेसन कमेंट करना ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।